देखने के बाद में ऐसा लग रहा है ये सुदर्शन चक्र है। तो ये सुदर्शन चक्र नहीं है, यह टंकी का ऊपरी हिस्सा है। और हम कह सकते हैं जिस तरह कोहरा पटक के फोड़ जला तीन टुका होखेलनू, वही नहीं तीन टुका भाई भाई जोकियारी पंचायत का सात निश्चय योजनाओं में से एक योजना नल जल योजना है। से वो तो आंधी से गिरा है, आई भैंसिया कोस के घिंची तो इहो लेले चल जाई। बढ़िया से रहो, घिंच घाच ज्यादा मत करियो। पानी पीले पड़े को? हाँ। कोई बार पीलो? आ हाई केंगे गिर गई टंकी या तनी बताइबो? हवा से। हवा से गिर गई। अभी हम आधुनिक बिहार के आधुनिक प्रखंड के आधुनिक पंचायत में आए हुए हैं और यह रक्सौल प्रखंड के जोकियारी पंचायत के वार्ड संख्या 6 है। और आप देख सकते हैं यह नल जल किस तरह से धराशायी हुआ है। और हम चाहेंगे से कैमरामैन मेरा थोड़ा साथ आए और हमारे देश के उभरते हुए भविष्य को दिखलाएं। ये बच्चे लोग अब इसमें आसियाना तराशना शुरू कर चुके हैं और ऐसा प्रतीक हो रहा है से अपने आप में यह बहुत ही काबिलियत तारीफ। यहाँ के जिन्होंने भी नल जल का काम करवाया था वो अपने आप में काबिलियत तारीफ है। अंग्रेजों का बनाया हुआ टंकी जो अभी तक ले ध्वस्त नहीं है और पूर्ण रूप से चालू है। और इस जोकियारी पंचायत का ये वार्ड संख्या 6 है और देख सकते हैं इस महीने का हल्का सा, हम इसको आंधी ही कहेंगे, आंधी में ही यह टंकी टूट के धराशायी हो गई है। अभी तो तूफान आना बाकी है। कैसे फंड का बंडर बांट किया जाता है ये तो जनप्रतिनिधि ही बतलाएंगे। कैसे सरकार की योजनाओं को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया जाता है यह जोकियारी पंचायत से सबक लेने वाली बात है। आइए यहाँ पे एक हमारे भैया हैं, भैया कहिए टूट के गिरा? ये हो गया आज कम से कम 4-5 रोज हो गया इसको गिरे हुए। आइए, कभी चालू ही नहीं हुआ, 6-7 का कभी ये चालू ही नहीं हुआ। और आइए आपको और भी ये नज़ारा दिखला रहे हैं, साफ चिपरी नियो ने करा के चाप दहल गई बा। जेंगे चिपरी एकदम चपालन हूँ वही गए करा के चाप दहल गई भाई। जोकियारी पंचायत का नल जल योजना है और ये है कहाँ आप दिखाई, कैमरामैन वहाँ जूम करके दिखलाए। यह स्वास्थ्य उप केंद्र जोकियारी है और ग्राम कचहरी वहाँ पे जोकियारी भी लिखा हुआ है। और आप देख सकते हैं किस तरह से सात निश्चय योजनाओं का यहाँ पे मजाक बनाया गया है। और बिहार सरकार का विकास अगर कहीं देखना है तो आप इस पंचायत में आके देख सकते हैं। और बच्चे इसमें अब खेलने और अपना आसियाना बनाना शुरू कर चुके हैं। और देखिए नया नज़ारा आपको दिखला रहे हैं, एगो तो टूटिए का गिर गया है और दूसरे का आप देखिए इसमें गाय भैंस बछड़ू सबका पालन हो रहा है। और ऐसा लग रहा है से वो तो आंधी से गिरा है, आई भैंसिया कोस के घिंची तो इहो लेले चल जाई। बढ़िया से रहो, घिंच घाच ज़्यादा मत करियो। ये देखिए हम चाहेंगे कैमरामैन थोड़ा ऐसा इसको दिखलाए। ऐसा प्रतीक हो रहा है इस शेषनाग की तरह दिखलाई दे रहे हैं, लेकिन ये शेषनाग नहीं है, ये है मोटर पंप। मोटर इसमें है कि नहीं है हम तो मैंने इलेक्ट्रिशियन नहीं है चेक करके नहीं बतला सकते हैं, लेकिन पाइप लगा हुआ है। इनसे पूछेंगे सर पानी वानी चढ़ा लगी नहीं में? आज तक तो कभी इससे कोई यूज नहीं हुआ है। हम लोग यहाँ कितना पंचायत में इसका बवाल, हम लोग लड़का लोग मिल करके 10 लड़का मिल करके यहाँ पे कितना बवाल शोर मचाते हैं। मुखिया पंचायत सरपंच के पास सबको पास जाते हैं, आता है लोग जाता है लोग, सब देखता है ये चीज़ हो जाएगा वो चीज़ हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। यहाँ जो है भ्रष्ट युग जो बोला जाता है ना, यहाँ का सब नेता चाहे जो भी वार्ड है चाहे कुछ भी है पहले से है कि अब का है, अब बोलने से बोलता है कि पहले वाले मुखिया का ये सब बनाया रीजन का हुआ कहला के अर्थ बस अब कब के चक्कर में कब ढो जाए क्यों नहीं खे जाना। देखो भाई एलन गामछा वाला भाई पानी वानी अगर पीले बड़ा कि ना आज तक जो जैया से मुखिया ही भइल जो क्यारी पंचायत में जैया से ना कोनो रोड काम हो भइल बा ना नाला भइल बाटे। देखिए रोड नाला पर मत जाई है पर जाई है कर बताई। हां जल नल का आज तक पानी नहीं मिला है आ नहीं मिलेगा कहियो जोकियारी पंचायत में। बहुत भैया रोको पानी पिए बनी कि ना? अभी तक ले तो 5 साल हो गया, अभी तक ले हम लोग का मुंह में इसका दर्शन नहीं हुआ है पानी का। हम लोग का हमारा घर है खिड़िचिया, अभी तक जल नल हमारा 11 नंबर वार्ड पड़ता है, अभी तक ले हमारे यहाँ जोकियारी पंचायत से अभी तक हम लोग का कोई लाभ नहीं मिला हुआ है। ऐसे घुसखोर लोगों से कब हम लोग का छुटकारा मिलेगा, अब आप ही लोग दिलवा सकते हैं।